हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन जो कि 40 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से लेंथ लेना है, तो लेंथ हमें 15 इंच रखना है। 1 इंच मैंने यहाँ पे प्लस करके लिया है सिलाई मार्जिन का। शोल्डर्स एंड आर्मोल्स हमें 6 इंच पे रखना है। हाफ इंच हमें यहाँ से देखिए बार की ओर से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आर्मोल्स की गोलाई लगेगी इस जगह से। चेस्ट का मैं फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 40 साइज तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच। 1.5 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखा है। कमर है यहाँ पे 34 साइज तो इसका फोर्थ पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच और 8.5 इंच मैंने लेना है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। 1 इंच हम बॉरेस्टर रखेंगे जो कि बैक साइड में प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए रहेगा। अब नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ से देखिए नेक की ब्रिथ मैंने रखी है ऊपर से 2.5 इंच और यहाँ पे नेक की लेंथ मैंने रखी है 10 इंच और नीचे से हमें इसकी वृत्त रखनी है 4 इंच। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। जितना भी आपको तैयार लेंथ चाहिए अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही आप लेंथ को लीजिएगा। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से शेप लगा लेना है। और अब हम यहाँ से डिज़ाइन को हम मार्किंग करेंगे। देखिएगा इस तरीके से बाहर की ओर से हम 1 इंच यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। और अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग। नेक को यहाँ देखिए हम बेहतर फिनिशिंग देने के लिए पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करना है हमें इस तरीके से। और अब हम यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। तो अच्छे से हम सेट करके इसका सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे पिन से फिर इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। और अब हम सेम एज इट इज यहाँ हम मार्किंग भी कर लेंगे इस तरीके से। इस डिज़ाइन को मैं यह 40 चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट से इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से हमें देखिए सेम इसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग करना है। तो ये मार्किंग हो चुकी है। और अब हम यहाँ से देखिए बाहर की ओर से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग हमारी हो चुकी है। और यहाँ से अब हम पिन को बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें देखिए फूल लगा लेना है। अच्छे से फोल्ड लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले बाहर वाले लाइन से होकर हमें इसे कट करना है। अच्छे से फिनिशिंग देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। दोबारा से हमें देखिए फिर से इसको अटैच करना है। और इसके बाद हम अंदर वाले लाइन से भी इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये हमारा पेपर पेस्टिंग पे हमारा कटिंग हो चुका है। और यहाँ से जो मैंने ड्रॉ किया था अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों ही पीसेस मैंने कट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे देखिए अस्तर पर भी इसकी कटिंग हमें कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिएगा हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इस पर कटिंग करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग करें। अच्छे से कटिंग हमारी हो चुकी है। और यहाँ से अब हम जो कपड़े पर देखिए मार्किंग है इसको भी हम कट कर लेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसा कि मैंने पेपर पेस्टिंग पे कटिंग किया है। और यहाँ से हम इसको अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। और बाद में हम इसे अच्छे तरीके से बढ़ाकर इसे हम कपड़े का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से हमें यहाँ से बढ़ाना है। तो सेम पहले हमें इसकी मार्किंग करनी है इस तरीके से। और अब हम यहाँ से देखिए 1-1 इंच ऊपर की ओर से और 1 इंच नीचे की ओर से हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारा सिलाई मार्जिन का ये एक्स्ट्रा रहेगा बढ़ाकर हमें लेना है। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से हम पिन से पहले इसे अटैच करेंगे उसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और हम सेम तरीके से हम पेपर पेस्टिंग पर भी इसको इसी तरीके से बढ़ाते हुए यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिएगा इसी तरीके से पेपर पेस्टिंग पर भी हमें बढ़ाना है। तो अच्छे से मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसके बाद यहाँ पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। और यहाँ से हम बढ़ाकर सेम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिएगा, अब हम इसे अच्छे से अस्तर पर एक सिलाई से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पिन से इसको सेट कर लें, और इसे अच्छे से आपको सेट करके एक सिलाई लगाना है। इस तरीके से कॉर्नर से आपको सिलाई लगाना है। इससे हमारा पेपर पेस्टिंग अस्तर के साथ सिलाई लगने से ये पक्का हो जाएगा और बहुत ही नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सेट करना है, और इसके बाद आप एक सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। और यहाँ से देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब हम इसे पिन को बाहर निकाल लेंगे, और मेन फैब्रिक के साथ बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम पिन से पहले अटैच कर लेंगे, और इसके बाद आप कॉर्नर से इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लें। तो ये है, इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है, और सिलाई हमारे नेक के अकॉर्डिंग लग चुकी है। और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और इसमें हम छोटा छोटा कट्स भी लगा लेंगे। इसे हम अंदर की ओर जब फोल्ड करेंगे तो बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाएगा, और नेक की फिनिशिंग बहुत बेहतर आएगी। इसीलिए इसमें छोटा कट्स हमें बहुत ही लगाना ज़रूरी है। छोटा छोटा कट्स लगा लेने के बाद अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अंदर की ओर फोल्ड करने के बाद हम इसे देखिए कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कॉर्नर की सिलाई लगाना है। तो ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा लिया है। और यहाँ से अब हम देखिए, तो ये देखिएगा फिनिशिंग के साथ इसको हम सिलाई लगा चुके हैं, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। और अब हम इसके साइड से देखिएगा, इस तरीके से मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच करेंगे अस्तर को। तो इस तरीके से हम कॉर्नर की सिलाई देते हुए यहाँ से अच्छे से आप हाथों से सेट करते हुए जाएं, और इसके बाद आप सिलाई से इसे कंप्लीट अटैच कर लें। तो ये देखिएगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने इसको सिलाई दे दी है। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो अच्छे से कटिंग करके हम इसे बराबर कर लेंगे अस्तर के साथ। देखिएगा, इस तरीके से हमें कटिंग करना है। और अब हम यहाँ से देखिए टोटल कटिंग हो चुकी है हमारी, और यहाँ से अब हम इसे अटैच करेंगे। तो तीनों ही पीसेस को हम इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक है और अस्तर का कपड़ा, उसके बाद हमें यहाँ से पेपर पेस्टिंग लेना है। तीनों पीसेस को इस तरीके से हम रख कर सबसे पहले हमें इसके दोनों साइड से अटैच कर लेना है। तो ये सिलाई हमारी देखिए इस तरीके से लग चुकी है दोनों ही पीसेस पे, और यहाँ से अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हम इसमें कट्स लगाएंगे। पिन को आप बाहर निकाल लें, उसके बाद आप इसमें कट्स लगा लें। ध्यान रहे आपकी कट सिलाई पे ना जाए। तो अच्छे से आपको बारीक रूप से इसमें कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद अब इसे अंदर की ओर से देखिए हमें इसे पलट कर सीधा करना है। तो ध्यानपूर्वक इसे आपको हल्के हाथों से बिल्कुल आराम से इसमें आप निकालें इसको बाहर, और किसी भी थोड़े से नोकीले चीज़ों से आप इसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखें कि आप ज़्यादा नोकीले चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो कपड़ा आपका ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से देखिए इसे बाहर कर लेना है। तो ये देखिएगा, दोनों ही पीसेस को हमें इसी तरीके से देखिए निकाल लेना है, सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे लेस से इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसके कॉर्नर से सिलाई लगाना है, और लेस को अच्छे तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम एक साइड से सिलाई लगा लेंगे, और अब हम यहाँ से देखिए इसको दूसरे साइड से इस तरीके से सेट करेंगे।
तो यहाँ से आपको इस तरीके से रखना है, और उसके बाद आप लेस को अटैच कर लें। तो मैं यहाँ पे पतली वाली लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यहाँ पे अब हम इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा, सिलाई मैंने इसे लगा लिया है, और यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा लेस है कट करके बराबर कर लेंगे, और बिल्कुल सेम इसी लेस का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम देखिए पूरी ही नेक पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और नेक के अकॉर्डिंग हम इस लेस को सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से यहाँ पे 1-1 इंच हम बाहर की ओर से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी दूसरी लेस को एक राउंड और लगाना है इस तरीके से। तो ये देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे पहले हमें 1-1 इंच को यहाँ पे मार्किंग करेंगे, अच्छे से मार्किंग कर लेना है आपको। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है, और अब हम यहाँ से लेस को अटैच कर लेंगे। तो 2 राउंड हमें यहाँ पे लेस से अटैच करना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा, और यह डिज़ाइन बनकर बहुत ही कम समय में हमारा तैयार हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। तो ये देखिएगा, ये हमारी सिलाई लग चुकी है, और अब हम यहाँ से देखिए इस 2 पीसेस को हम यहाँ पे डिज़ाइन के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले आप इसका सेंटर पॉइंट से मार्किंग कर लें। अच्छे से मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ से देखिएगा इस तरीके से दोनों को अटैच करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाना है। सिलाई लग जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब हम कमर पट्टी को तैयार करेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है, इसे 2 फोल्ड लगा लेंगे। 2 फोल्ड लगाकर आप यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए एक सिलाई से इसे कंप्लीट करें। तो ये देखिए यहाँ से सिलाई लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, और अब हम इसे खोलकर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये अस्तर पर हमारी सिलाई लग चुकी है, और अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको अंदर की ओर फोल्ड करना है, और यहाँ से हम मेन फैब्रिक के साथ हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे इसको। और सिलाई आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप यहाँ से इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं। और अब हम देखिए यहाँ बैक साइड में प्लेट्स बनाएंगे। तो हाफ से इसको फोल्ड करके हम 1 इंच का प्लेट्स तैयार कर लेंगे। दोनों ही साइड हमें प्लेट्स बनाकर तैयार कर लेना है अच्छे से। तो प्लेट्स हमारा बन चुका है, और यहाँ से हम सो बटन को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैं टोटल 3 पीसेस को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सो बटन में। यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे, और इस तरीके से हम डिज़ाइन पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।